हेलो फ्रेंड्स, इंडिया ने इंग्लैंड को सेकंड T20 में हरा के इस T20 सीरीज में जबरदस्त वापसी की है। अब हम तीसरे T20 की भी बात कर लेते हैं। तीसरे T20 में अब खास बात यह है कि यहाँ पे जो पिच है ये पहले दोनों T20 से थोड़ी अलग होगी। अब की बार रेड सॉयल वाली पिच पे मैच खेला जाएगा। रेड सॉयल वाली पिच जैसे कि टेस्ट मैचेस में पिच थी तो वो रेड सॉयल पे से तैयार की गई पिच थी, जिसपे की बॉल को टर्न ज्यादा मिलता है, स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है। तो पहले दो T20 में ब्लैक सॉयल वाली पिच थी जिसपे स्पिनर्स को इतना टर्न नहीं मिलता था और बैट्समैनों के फेवर में ज्यादा रहती थी। तो आप सोच सकते हैं कि अब तीसरे T20 में पलड़ा तो ऑलरेडी थोड़ा सा इंडिया का भारी हो जाएगा, क्योंकि ये रेड सॉयल वाली पिच पे खेला जाएगा और दोनों टीम्स की जो टीम कम्बिनेशन है इसपे भी फर्क पड़ेगा। थोड़ा स्पिनर्स पे जोर रहेगा। तो हम दोनों टीम्स की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पे भी गौर कर लेते हैं। पहले हम इंग्लैंड का देखते हैं। ये इंग्लैंड की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है। जेसन रॉय बटलर ओपनर इनके, डेविड मिलान, जॉनी बेयरस्टो, इयान मॉर्गन, बेन स्टोक्स और मोइन अली की वापसी होना मुझे लगभग तय लग रहा है तीसरे T20 में, क्योंकि वो एक ऑफ स्पिनर भी है और अच्छी हिटिंग भी करते हैं और इस पिच को ऑफकोर्स रीड करेगी इंग्लैंड। उन्हें भी पता होगा कि ये रेड सॉयल पे अब की बार खेला जाएगा और स्पिनर्स को मदद देगी। सैम करन ने अच्छी बॉलिंग की दूसरे T20 में, काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग की जब सब पिटे तब भी। जोफ्रा आर्चर रहेंगे, आदिल रशीद लेग स्पिनर, और 11वें में मुझे लग रहा है या तो मार्क वुड को वापस लाया जाएगा, पहले T20 में बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी मार्क वुड ने, या हो सकता है मैट पार्किंसन को ये मौका दे दे। मैट पार्किंसन इनका एक और लेग स्पिनर है जिसको इन्होंने बाद में अपने स्क्वाड में जोड़ा है, तो क्योंकि ये एक टर्निंग विकेट होगी जहां स्पिनर्स को थोड़ा ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो मैट पार्किंसन भी हो सकता है इस लाइनअप में अब की बार। आप आश्चर्य ना कीजिए अगर आपको एकदम से ये मैट पार्किंसन नजर आ जाए। और हम इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पे भी गौर करें तो मुझे लग रहा है अब की बार भी इंडिया एक्सपेरिमेंट करेगी, जैसे इन्होंने दूसरे मैच में एक्सपेरिमेंट किया, ईशान किशन को ओपनिंग का मौका दिया। तो एक तो मुझे रोहित शर्मा की वापसी होती लगभग तय लग रही है इस मैच में, दो मैचों में रेस्ट दे दिया तो अब की बार वो ओपनिंग पोजीशन पे आएंगे, और केएल राहुल मुझे लग रहा है अब इस मैच में बाहर बैठेंगे, और साथ में ईशान किशन ओपनर, और सूर्य कुमार यादव को मुझे लग रहा है कि ये ऊपर मौका देंगे अब की बार, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि या तो तीसरे पे मौका देंगे या चौथे नंबर पे भी हो सकता है, थोड़ा सा बैटिंग में ऑर्डर में फेरबदल हो सकता है, तो सूर्य कुमार यादव को तीसरे या चौथे नंबर पे मौका दिया जाएगा। और ऋषभ पंत या विराट कोहली में से कोई एक प्लेयर को रेस्ट होगा इस मैच में, ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, क्योंकि विराट कोहली की जो टीम सिलेक्शन होती है, मैं आपको बताऊं कि इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता होता विराट कोहली कौन सी टीम खिलाने वाला है। पर ये मुझे जो एक लग रहा है, थोड़ी सी इंट्यूशन हो रही है कि या तो विराट कोहली खुद अब रेस्ट लेगा, क्योंकि जो पहले दो मैचेस में रोहित शर्मा ने रेस्ट लिया उसका पीछे कोई लॉजिक नहीं था, पर अगर रोहित को रेस्ट दिया है तो अब विराट कोहली को भी एक या दो मैच में रेस्ट लेना चाहिए, या हो सकता है कि ऋषभ पंत को रेस्ट दे दिया जाए क्योंकि वो एक लंबी टेस्ट सीरीज खेल के आए हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट मैचेस खेले, लगातार 7 टेस्ट मैचेस और अभी भी 2 T20 खिलाए हैं, तो मे बी पंत को भी रेस्ट हो सकता है, और उस केस में ईशान किशन को विकेट कीपिंग का मौका मिलेगा और ईशान किशन की विकेट कीपिंग भी चेक हो जाएगी, वो एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर ही है, पर ये हो जाएगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जैसे बैटिंग अच्छी की तो कीपिंग भी बिना प्रेशर के अच्छी कर रही है, ये चेक भी हो जाएगा। और फिर श्रेयस अय्यर हो गए, और उधर से हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, या मुझे लग रहा है मे बी हार्दिक पांड्या को भी शायद ये रेस्ट दे दे और राहुल तेवतिया को मौका दे दे, क्योंकि ये थोड़ा टर्निंग ट्रैक होगा, उतना तो नहीं जितना टेस्ट मैचेस में, बट स्पिनर्स के लिए यूजफुल रहेगा, तो स्पिनर्स इंडिया थोड़ा और इंक्लूड करने की कोशिश करेगी, तो राहुल तेवतिया को मौका मिल सकता है। वॉशिंगटन सुंदर, 8वें पे श्रद्धल ठाकुर, और अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है तीसरे T20 में, या ये भी हो सकता है कि राहुल चहर जो एक लेग स्पिनर है उसको मे भी मौका दे दे इस मैच में,
थोड़ा सा और स्पिन अटैक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और वरुण चक्रवर्ती बाहर हो चुका है इस स्क्वाड से, फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। और फिर दसवें पे भुवनेश्वर कुमार, या हो सकता है कि भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट दे के अब की बार दीपक चहर को मौका दे दिया जाए। और ग्यारहवें पे युजविंदर चहल, तो ये इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 होने के चांसेस है। और ऑफकोर्स इंडिया एक्सपेरिमेंट करेगी इस मैच में, आप देखिएगा कुछ इसी तरीके के चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और अब है कि इस मैच में होगा क्या, अब इस वक्त वन ऑल पे सीरीज हो गई है, और पहले मैच में एक तरफा इंग्लैंड जीती और दूसरे में एक तरफा इंडिया जीती, तो क्या इंडिया अपना ये अब जो दूसरे मैच में जीती है तीसरे में भी जारी रखेगी? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंडिया जारी रखेगी और इंडिया तीसरा T20 जीतने में सफल रहेगी। दैट इज माई प्रिडिक्शन फॉर थर्ड T20। प्लेयर्स टू वॉच आउट, मैं दोनों टीम की तरफ से चार चार प्लेयर्स पिक करूंगा जो इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। पहले हम इंडिया का देखते हैं। इंडिया की तरफ से ईशान किशन अपनी अच्छी फॉर्म कंटिन्यू रखेगा और वो इस मैच में भी रन मारेगा, और सूर्य कुमार यादव को ऊपर बैटिंग करने का मौका मिलेगा जिसका वो फायदा उठाएगा, और सूर्य कुमार यादव भी अच्छी बैटिंग कर सकता है, और साथ में श्रेयस अय्यर अच्छी बैटिंग कर सकता है इस मैच में एक बार फिर, और बॉलिंग में युजविंदर चहल। ये चार प्लेयर्स इंडिया की तरफ से अच्छा करता मुझे नजर आ रही है। और इंग्लैंड टीम की बात करें तो इंग्लैंड टीम में एक तो जॉस बटलर, ये अब की बार अच्छे रन मार सकती है, एक हाफ सेंचुरी भी मार सकती है, और इयॉन मॉर्गन इस मैच में अच्छा कंट्रीब्यूट करेगी, और साथ में मोइन अली को इस मैच में खिलाया जाएगा और वो अच्छी कंट्रीब्यूशन देंगे, और आदिल रशीद लेग स्पिनर इंग्लैंड की तरफ से, ये प्लेयर्स अच्छा करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या रहता है, और लेट्स होप कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करे और हमें एक जबरदस्त मैच देखने को मिले और उसमें इंडियन टीम विक्टोरियस हो।